कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को गर्व का अवसर देने वाले बलिदानियों को अपनों से बिछड़े भले 25 साल हो गए हो, लेकिन परिजनों को तो लगता है कि जैसे कल की बात हो। कारगिल की जंग को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन्हें याद कर परिजनों की आंखें छलक उठती हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सीना चौड़ा हो जाता है। हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शौर्य के रूप में याद करने का संकल्प लिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार हैं उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़ कर सबको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये और सभी को हमारी तरफ से इस कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई। हम लोगों को पता है कि 99 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कितना हमारे हिंदुस्तान में कह लो, कुमाऊं में कह लो, हल्द्वानी में कह लो, जोश है पब्लिक में कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान की सेना कह लो, जो भी कह लो, उनको भगाया था यहाँ से। और उसी उपलक्ष्य में हम, चूंकि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, जितने भी रेजिमेंट है उसके जो फौजी जवान है उनको पर ज्यादा जोश भर गया 99 के बाद, और ज्यादा उसमें वो हुआ, उनके ऊपर जोश आकर के सेना में भर्ती हुए। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने की नौबत भी नहीं आती है। वही जोश है, उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और शौर्य दिवस, कारगिल शौर्य दिवस हम आप सभी मना रहे हैं। 1999 को पहली बार पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के आसपास की पहाड़ियां, खासकर बटालिक, चोर बाटला, काक्सर, द्रास की जो खाली पहाड़ियां होती थी विंटर में, जिसमें कोई नहीं रहता, वहां आके उन्होंने कब्जा किया है। ये 3 मई की बात है। 3 मई के बाद में जब ये पता चला कि घुसपैठी आया है, तब उसको वहां से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके ऑपरेशन चलाया और 26 जुलाई को आखिरी पाकिस्तानी को मार गया। भारतीय सेना के 526 जवानों ने सर्वोच्च जो कुर्बानी दी और करीब 1000 लोग जो है वो घायल हुए। इसी के उपलक्ष में, इस विजय के उपलक्ष में ये कारगिल दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल खास है क्योंकि रजत जयंती। ऐसा है, जो आज का दिन हमारा है, ये कारगिल शहीद दिवस बहुत ही गौरवान्वित दिवस है और साथ ही साथ इसको आज जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत भी आजकल भी जो है इंसर्जेंसी वाले इलाके में फिर भी हमारे पंख का जवानों का हौसला कोई भी कम नहीं हुआ है। भले आप आए दिन वहां पर जो है समाचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि वहां से जो है इंसर्जेंसी में इतने मुठभेड़ में इतने जवान शहीद हो गए हैं। मेरी पर्सन जो है 2 नागा रेजिमेंट, मेरा नाम कैप्टन नरेंद्र पांडे और ये मेरे सारे जो है सहयोगी मेरे 2 नागा पटन के ही हैं। हम लोग जो है इंसर्जेंसी वाले इलाके में पटन में थे, पटन से फिर हमारी पटन को आदेश मिला कि वहां पर जो है कुछ घुसपैठिए दराज सर्कल के ऊपर में संघर्ष बना करके आ गए हैं। पटन को आदेश मिला, पटन वहां से रातों रात वहां से आगे निकल गई। 5 जुलाई 1999 को, 6 जुलाई 1999 को जो है हम लोग जो है ऊपर पहाड़ियों में जो है हमने कब्जा करना था और 6 तारीख के दिन वहां पर पाकिस्तान का मोटर पोस्टन को ध्वस्त करते हुए हमारी पटन ने विजय हासिल की, जिसमें हमारे पटन के 16 ने जो है अपनी जो है शहादत दी।